हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग विटामिन सी क्रीम। सो गाइस, ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। विटामिन सी वैसे भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। सो गाइस, विटामिन सी क्रीम एक एंटी एजिंग क्रीम भी है। इससे हमारी स्किन पर अगर झुर्रियाँ हैं, हमारी स्किन सैग करने लगी है तो वो ठीक होगी। साथ ही साथ अगर हमारी स्किन पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गई है, टैनिंग हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक करके हमें वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हमें किस तरीके से विटामिन सी क्रीम को बनाना है और इसे यूज़ करना है। सो गाइस, इस क्रीम को बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको विटामिन सी कैप्सूल की ज़रूरत होगी। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली परचेज़ कर सकते हैं और इसका ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बाद हमें चाहिए होगा विटामिन ई कैप्सूल। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से बनाना है। सो गाइस, आपको एक विटामिन सी कैप्सूल लेनी है और उसको अच्छे से तोड़कर उसका पाउडर बना लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर उसका पाउडर बना लिया है। अब इसे किस तरीके से इस क्रीम को रेडी करना है मैं आपको बता। सो गाइस, इसको बनाने के लिए आपको एक क्लीन बोल लेना है और उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। सो गाइस, एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन पर अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगी एक विटामिन ई कैप्सूल, जिसका मैं जो ऑयल है वो अच्छे से इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं एक विटामिन ई कैप्सूल का जो पाउडर है वो उसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो गाइस, आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना बन जाए। जैसे कि सो गाइस, आपको काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी पेस्ट बन गया है। जैसे कि मार्केट की क्रीम होती है वैसे ही ये एकदम रेडी हो चुकी है। अब आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और आप इसे कम से कम 7 से 10 दिनों तक फ्रिज में ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। सो गाइस, अब हमारी विटामिन सी क्रीम एकदम रेडी हो चुकी है। सो गाइस, ये क्रीम आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मार्केट की महंगी महंगी क्रीम यूज़ करने से बेटर है कि आप घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से अपनी विटामिन सी खुद की क्रीम बना सकते हैं। सो गाइस, विटामिन सी हमारे स्किन के कोलेजन को इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ हमारे स्किन को वाइट एंड ब्राइटन और स्पॉटलेस बनाएगा। इस क्रीम को अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको यंग, ग्लोइंग और यूथफुल स्किन मिलेगी। सो गाइस, अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद फिंगर टिप की हेल्प से इस क्रीम को लेना है और अपने फेस पर हल्का हल्का अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद आपको धीरे से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। सो गाइस, आपको अपना फेस रगड़ना नहीं है, बहुत ही स्मूथली अपने फेस की मसाज करनी है। सो गाइस, ये एक एंटी एजिंग क्रीम भी है, तो अगर आपकी स्किन में रिंकल्स हो गए हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। सो गाइस, इसको आप अप्लाई करने के बाद ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अगर आपको इस क्रीम के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे दिन में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, ये थी हमारे विटामिन सी स्किन वाइटनिंग क्रीम, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।